तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम जनवरी से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बी बी वाई, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास बी बी वाई है क्या दोस्तों। ये एक तरह की योजना है जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि ये किन के लिए है। तो याद रखना है किसानों को नुकसान की भरपाई करने के लिए योजना शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत दोस्तों, शुरुआत कब की गई थी इसकी, 30 दिसंबर 2017 को इसका शुभारंभ किया था हमारे मनोहर लाल खट्टर ने, जो हमारे सीएम है करनाल से, पधाना गांगर गांव से इसका शुभारंभ किया गया था। और यहीं से इसकी घोषणा की गई थी कि ये पूरे हरियाणा में 1 जनवरी 2018 से, याद रखना है दोस्तों, 1 जनवरी 2018 से पूरे हरियाणा में लागू कर दी जाएगी। अब यहां से मैं इसका बता देता हूं, इसके नाम से ही आप इसको याद कर सकते हो, भाव अंतर, भाव प्लस अंतर। आप किसानों के जो भाव में, मतलब भाव में जो भी अंतर होगा उसकी जो भरपाई करेगी, उसकी भरपाई करेगी हमारी हरियाणा सरकार। और इसमें प्रथम चरण में कौन कौन सी सब्जियों को चुना गया था, तो ध्यान रखना है इसके अंदर टमाटर प्याज और आलू को चुना गया था, और दूसरे चरण में इसमें फूल गोभी को भी ऐड कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है इस समय भावांतर भरपाई योजना में हमारे पास 4 सब्जियों को ऐड किया गया है, टमाटर प्याज आलू और फूल गोभी। और उसी समय हमारे पास मनोहर लाल खट्टर ने 30 दिसंबर 2017 को एक घोषणा और की थी कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनेगा कि किसानों की आय को दोगुना कब तक कर दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों याद रखना है, हमारे पास सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सरस्वती महोत्सव का आयोजन था। ये हमारे पास 18 से लेके 22 जनवरी 2018 के बीच आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, इसमें दो चीजें मैं बता देता हूँ। इसका जो शुभारंभ किया गया वो आपको ध्यान रखना है, 18 जनवरी से इसका शुभारंभ सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बद्री से किया गया। और दोस्तों आदि बद्री हमारे पास कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। तो इसमें आपको उलझना नहीं है, ध्यान रखना है जो सरस्वती महोत्सव है उसका जो शुभारंभ आदि बद्री से किया गया है, और जो सरस्वती का उद्गम स्थल है, मीन्स हमारे पास जो सरस्वती नदी हरियाणा में एंट्री करती है वो आदि बद्री से करती है। और ये इसका आयोजन ये बनाया गया कहां पर है, पेहवा में इसका बनाया गया है दोस्तों, पेहवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और ये 5 दिन तक चला है। तो कब से कब तक, 18 से लेके 22 जनवरी 2018 तक। इसके अंदर हमें याद रखना है कि जो सरस्वती डेवलपमेंट हेरिटेज बोर्ड है उसके जो डिप्टी चेयरमैन है वो इस समय कौन है, हमारे पास प्रशांत भारद्वाज है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है तो उसके कुछ अवशेष मिले हैं जिसकी खुदाई हमारे पास यमुनानगर के मुगलावाली गांव में की गई थी, 2015 से उसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 29 जनवरी 2018 को हमारे पास सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्लाट वो संपत्ति प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया था। तो आपको ध्यान रखना है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्लाट और संपत्ति प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ कब किया, तो 29 जनवरी 2018। सिर्फ आपको इसकी डेट याद रखनी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 24 जनवरी 2018 को एचएमटी का पिंजौर स्थित ट्रैक्टर जो डिवीजन है वो बंद कर दिया गया। तो जैसा कि आपको पता ही है हमारे पास जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है एचएमटी है उसको बंद कर दिया गया है, तो उसका जो ट्रैक्टर पिंजौर में ट्रैक्टर डिवीजन है वो भी बंद कर दिया गया है। और मैं बता देता हूँ इसमें हमारे पास जो एचएमटी है वो पिंजौर पंचकुला में पड़ती है और जिसको बंद कर दिया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक बिल्ट इंडस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्ट हमारे पास बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो ये कहाँ पर है, ये हमारे पास यमुनानगर में पड़ती है। तो अगर बिल्ट और एचएमटी से क्वेश्चन आ जाए तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एचएमटी हमारे पास पंचकुला पिंजौर में पड़ती है और बिल्ट इंडस्ट्रीज है जो हमारे पास यमुनानगर में पड़ती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 32वें सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया। आपको पता ही है हमारे पास 1987 से ये सूरज कुंड मेला बनाया जाता है, और इस बार जो बनाया गया था 2018 में 32वां सूरज कुंड मेला बनाया गया था। तो इसमें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये हमेशा हर साल 1 से 15 फरवरी के बीच बनाया जाता है, लेकिन इस बार ये 2 से 18 फरवरी के बीच बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फरीदाबाद में बनाया जाता है। अब ये दोस्तों हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का क्राफ्ट मेला बनाया जाता है। तो
यहां से क्वेश्चन देखो क्या क्या बनेंगे, मैं फटाफट बता देता हूँ। इंटरनेशनल लेवल का दर्जा हमारे पास जो मिला है इसको सूरजकुंड मेले को 2013 से मिला है, और यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल का है तो यहाँ पे इसलिए इसमें पार्टनर नेशन हर साल होते हैं, तो जो होता 2018 का जो पार्टनर नेशन था वो हमारे पास दोस्तों कौन था, किर्गिस्तान था। एक तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हमारे पास पार्टनर नेशन कौन था, किर्गिस्तान था। और जो पार्टनर हमारे पास स्टेट होता है, एक स्टेट राज्य होता है सहयोगी राज्य, वो हमारे पास कौन था, यूपी था। और इस सूरजकुंड मेले में जो चीफ गेस्ट थे वो भी हमारे पास यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ थे, याद रखना है आपको, योगी आदित्यनाथ थे इसके चीफ गेस्ट, आदित्यनाथ। तो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना है। 32वां सूरजकुंड मेला था 2 से 18 फरवरी 2018 के बीच फरीदाबाद में आयोजित हुआ, 2013 में इसको इंटरनेशनल लेवल का दर्जा मिला, और इसका जो पार्टनर नेशन था वो किर्गिस्तान था हमारे पास, और जो यूपी है वो यूपी इसका पार्टनर, सॉरी दोस्तों थीम स्टेट है, जो जिस इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो योगी आदित्यनाथ थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 9वीं एशियन बफेलो कांग्रेस। तो 9वीं एशियन बफेलो कांग्रेस हमारे पास कहाँ पे हुई है, तो यह हिसार में आयोजित की गई थी, यह हमारे पास 1 से 4 फरवरी 2018 के 2018 में के बीच में चली थी। तो दोस्तों बफेलो से रिलेटिव आ जाए तो आपको पता ही है हमारे पास CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोस हिसार में पड़ता है, तो ये इनका आयोजन CIRB में किया गया था। उसके बाद हमारे पास 13वीं इंटर जिला शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी डेट नहीं पूछी जाएगी। ये हमारे पास नारनौल महेंद्रगढ़ में, जो हमारी हरियाणा की 13वीं जिला इंटर शतरंज चैंपियनशिप थी उसका आयोजन किया गया। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास 31 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच इंडिया का, याद रखना है, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया। तो इसमें जो आयोजन किया गया इसमें सिर्फ अंडर 17 के जो बच्चे थे स्कूलों के वो खेल सकते थे। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका आयोजन हमारे पास न्यू दिल्ली में किया गया था, और न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था तो इसमें जो पहली पोजीशन थी वो हमारे हरियाणा की थी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो 2018 में हुए हैं अंडर 17 कैटेगरी के, उसमें फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है, हरियाणा ने की है। इसमें हरियाणा ने 38 गोल्ड, सिल्वर 26 और ब्रॉन्ज 38 जीते हैं, और टोटल मेडल हरियाणा के जो कब्जे में आए थे वो 102 आए थे, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास दूसरी अखिल भारतीय नेशनल स्टाइल कबड्डी का आयोजन किया गया था, ये कब से कब तक हुई थी तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये कबड्डी हमारे पास 19 से 21 फरवरी 2018 के बीच चली थी। कहाँ पे चली थी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जींद में, और जींद में स्टेडियम पड़ता है एकलव्य स्टेडियम, तो एकलव्य स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है, तो जींद में है। इसकी जो कैश अवार्ड राशि थी दोस्तों बहुत ज्यादा थी, तो कितनी थी दोस्तों, 1 करोड़ रुपए के करीब थी, और 1 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए और 1 करोड़ रुपए पुरुषों के लिए ये अवार्ड राशि दी गई थी। तो इसको जो सर्विसेस है, सर्विसेस ने जीता था, मतलब पहली पोजीशन सर्विसेस ने हासिल की और दूसरी पोजीशन रेलवे ने, सर्विसेस ने रेलवे को 1 पॉइंट के अंतर से हरा दिया था, और हरियाणा इसमें तीसरे नंबर पर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह दूसरी अखिल भारतीय नेशनल स्टाइल कबड्डी थी, तो पहली जो अखिल भारतीय स्टाइल कबड्डी 2017 में हुई थी वो हमारे पास राई स्पोर्ट्स स्कूल है जो सोनीपत में, वहां पे आयोजित की गई थी, और उसमें जो पहला स्थान था वो हरियाणा ने हासिल किया था। लेकिन अभी के एग्जाम्स के लिए आपको जरूरी हो जाता है कि इस बार दूसरी अखिल भारतीय नेशनल स्टाइल कबड्डी कहां आयोजित की गई, जींद के एकलव्य स्टेडियम में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नागा बाबा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास फरवरी के दूसरा, जो फरवरी में दूसरा संडे होता है, रविवार होता है, उसमें नागा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, अंबाला में किया जाता है। इसकी एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक दरगाह है हमारे पास अंबाला में, तो इस बार जो आयोजित किया गया है 12 फरवरी को आयोजित किया गया है। ये हमारे पास अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में स्थित नागा पीर बाबा की दरगाह है, वहां पर नागा बाबा मेला आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि जब 1962 और 65 में युद्ध हुए थे तो जो यहाँ पे बम गिरे थे तो नागा बाबा ने एक भी बम को यहाँ पे फटने नहीं दिया था, तो उसके बाद से काफी फेमस हो गए थे, और एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इनकी
दरगाह है जिसको लोग काफ़ी मानते हैं। और जो एयरफोर्स हमारे पास है, एयरफोर्स जो अम्बाड़ा में है, एयरफोर्स स्टेशन, उसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक दिन ही ये उस उनको उनके जो दरगाह है वहाँ पे लोगों को जाने का मौका देते हैं। तो इस बार जो बाबा नागा मेला है 12 फरवरी को अम्बाड़ा में आयोजित किया गया। और मैं बता देता हूँ कि एयरफोर्स स्टेशन हमारे पास दो हैं, एक अम्बाड़ा में है और दूसरा कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा में है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी हमारे पास पंचकुला में सरस मेला का आयोजन किया गया है। तो सरस मेला आपको ध्यान रखना है, हथकरघा जो कारीगर होते हैं उनके लिए स्पेशल लगाया जाता है, जो इस बार हमारे पास 22 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच लगा है। ये पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, आपको ध्यान रखना है 23 फरवरी को हमारे पास जो ट्रंप है, ट्रंप के जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, गुरुग्राम में आए हुए थे। तो बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास हरियाणा में ट्रंप टावर की आधारशिला या ट्रंप टावर से का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, हमारे गुरुग्राम में किया जाएगा ट्रंप टावर का निर्माण। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि 8वीं विंटेज कार रैली की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखना है गुरुग्राम में किया गया, गुरुग्राम के सोहना में। और मैं बता देता हूँ, इसका जो विंटेज कार रैली का शुरुआत की गई थी वो 1964 में की गई थी, और जो इस बार की गई है वो 8वीं विंटेज कार प्रदर्शनी है जो गुरुग्राम के सोहना में आयोजित की गई। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप का आयोजन। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास अभी कांग्रेस हुई थी मुर्रा बफेलो किस, और इसी तरह मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप है वो भी हमारे पास हिसार में हुआ है, हिसार के गांव सिंगवा खास में। इसमें मैं बता देता हूँ, जो मुर्रा भैंस है इसको हमारे पास हरियाणा का ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है चैत्र चौदस का मेला हमारे पास कहाँ पे लगता है। तो सरस्वती तीर्थ में लगता है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, पेहवा में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार ये 11 मार्च से इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट आ जाता है देश का पहला स्पोर्ट लिटरेचर फेस्टिवल हमारे पास कहाँ बनाया गया। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, देश का पहला स्पोर्ट लिटरेचर फेस्टिवल चंडीगढ़ में आयोजित किया गया 17 से 18 मार्च के बीच। और नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट का आयोजन किया जाता है हर साल। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो तीसरा एग्री लीडरशिप समिट 2018 है वो रोहतक में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना है रोहतक में आयोजित किया गया 24 से 26 मार्च के बीच में। और इससे पहले जो सबसे पहला एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारे पास मिट हुआ था वो गुरुग्राम में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो सूरजकुंड में हुआ था, सूरजकुंड फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है इस बार का जो तीसरा हुआ है एग्री लीडरशिप समिट कृषि को बढ़ावा देने के लिए, वो रोहतक में आयोजित किया गया है 24 से 26 मार्च के बीच में। अब यहां से हमारे पास 9 मार्च को बजट का बारे में आ चुका था, तो वैसे मैंने बजट के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि जो हरियाणा का बजट आया था 2018-19 में वो 1,15,198 करोड़ रुपए आया था। तो इसमें मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारा बजट 9 मार्च 2018 को आया और पिछले साल के मुकाबले 12.6% ज़्यादा था। इसमें एक आंकड़े दिए गए थे कि हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपको ध्यान रखनी है 1,96,982 रुपये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। मीन्स हरियाणा में प्रति व्यक्ति हर व्यक्ति साल में 1,96,982 रुपये कमाता है। और इसमें मैं बता देता हूँ कि 1966 का पूछ लिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की 608 रुपये थी। नेक्स्ट बनता है हमारे पास, बाबा काला पीर के नाम से पहली बार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया। अभी हमने पढ़ा था नागा बाबा मेला जो अम्बाड़ा में लगता है, सरस मेला जो पंचकुला में लगा था, और तीसरा यहाँ गया है बाबा काला पीर के नाम से पहली बार मेला। तो बाबा काला पीर के नाम से पहली बार मेला आयोजित किया गया हिसार में। तो ये मेला हमारे पास स्वतंत्रता से पहले आयोजित किया जाता था, जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से काला पीर का मेला नहीं बनाया जाता था। तो याद रखना है हिसार में 14 मार्च से ये शुरू किया गया था। ये नारनौल में, हिसार के जो में पड़ता है नारनौल, नारनौल के कोतकला गाँव में इसका आयोजन किया गया था। और याद रखना है इसमें हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इसके मुख्य अतिथि थे। और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, जो आचार्य देवव्रत है वो हरियाणा से ही लिंक रखते हैं, हरियाणा के पानीपत में और पानीपत के समालखा के ये रहने वाले हैं। तो आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ये मुख्य अतिथि थे जो बाबा काला पीर का मेला आयोजित किया गया। और बाबा काला पीर का मेला हमारे पास हिसार में आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो याद रखना है दोस्तों, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, रेलवे ट्रैक के, वो सिर्फ
हाँ, नेशनल हाईवे के वाले एलिवेटेड के नहीं, वो अलग है। तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की आधारशिला 17 मार्च को हमारे पास रोहतक में इसकी शुरुआत की गई। अभी हमने पढ़ा था कि जो तीसरा एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट था वो कहाँ पे था, रोहतक में था। और इसी तरह हमारे पास जो रोहतक में ही सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की आधारशिला रखी गई, तो ये कहाँ पे है, रोहतक में। और यहीं से बता देता हूँ कि जो दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है उसकी भी घोषणा कर दी गई है हरियाणा में, तो ये कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर बनाया जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़े स्पीड से कराऊंगा क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर है। मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो के अंदर सारी करंट अफेयर मैं कवर अप करा दूं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास भारत केसरी दंगल। ध्यान रखना है, अभी हमने कबड्डी के बारे में पढ़ा था जो जींद में हुई थी आयोजित, दूसरी थी जो, अब यहां पे हम पढ़ेंगे कुश्ती के बारे में। तो भारत केसरी दंगल कुश्ती, ये भी ये तीसरा है, तीसरा आयोजित किया गया था। और अभी पढ़ा था हमने तीसरा हमारे पास रोहतक में एग्रीकल्चर समिट आयोजित की गई थी। तो तीसरा भारत केसरी दंगल, ये हमारे पास भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित किया गया था और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर इसको आयोजित किया गया था। इसके अंदर भी जो इनामी राशि थी वो 1 करोड़ रुपए थी, आपको याद रखना है। ये 21 से 23 मार्च 2018 के बीच में आयोजित किया गया भिवानी में। इसमें जो पहली बार केसरी दंगल आयोजित किया गया था वो हमारे गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, दूसरा केसरी दंगल अम्बाला में आयोजित किया गया था। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है मास्टर प्लान। अगर आपसे पेपर में पूछ ले मास्टर प्लान 2031 क्या है, तो मास्टर प्लान 2031 है कि जो हमारे पास एनसीआर रीजन पड़ता है, एनसीआर रीजन में फरीदाबाद पड़ता है, तो नेशनल कैपिटल रीजन का हब बनाया जाएगा फरीदाबाद को। कब तक बना दिया जाएगा, 2031 तक का इसका लक्ष्य रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है मास्टर प्लान क्या है, जो हमारे पास दिल्ली के आसपास का एरिया एनसीआर माना जाता है, और इस एनसीआर में 57% एरिया हमारा हरियाणा का आता है, हरियाणा का 57%। तो और इसके अंदर हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, एनसीआर रीजन में। और टोटल पूरे इंडिया के 24 डिस्ट्रिक्ट इसमें काउंट किए जाते हैं। तो एनसीआर रीजन का हब बनाया जाएगा किसको, फरीदाबाद को, मास्टर प्लान 2031 के अकॉर्डिंग। उसके बाद 9 मार्च 2018 को हमारे पास पहला साइबर थाना खोल दिया गया। कहाँ पे खोला गया दोस्तों, गुरुग्राम में खोल दिया गया था, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल 2018 को ऑनलाइन ट्रांसफर, याद रखना है, ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे जितने भी गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी काम होंगे वो ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू होंगे, क्योंकि हरियाणा क्या कर रहा है, हमारे पास पेपरलेस कर रहा है सभी डिपार्टमेंट्स को। और पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट हमारा कौन सा है, आईटीआई है, ये क्वेश्चन आ चुका है एचएसएससी में। 8 अप्रैल 2018 को हमारे पास विराट व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया। अभी हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सम्मेलन, वो रोहतक में हुआ था, और विराट व्यापारी सम्मेलन भी हमारे पास जो व्यापारियों के लिए है वो भी रोहतक में आयोजित किया गया। और उसके भी मुख्य अतिथि हमारे पास कौन थे, मनोहर लाल खट्टर हमारे जो सीएम है वो थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 11 अप्रैल 2018 को खेल नीति 2015 में बदलाव कर दिए गए। क्या क्या बदलाव किए गए आगे मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान बनाया गया। याद रखना है हरियाणा में ग्राम स्वराज अभियान कब से कब तक बनाया गया, तो 14 अप्रैल से 5 मई के बीच बनाया गया है ग्राम स्वराज अभियान। इसके अंदर 235 गांवों को सिलेक्ट किया गया था और यहां पर इन गांवों में जाकर इनको इनको जागरूक किया गया था। नेक्स्ट आता है 20 अप्रैल को ई वे बिल लागू हुआ हरियाणा में। इसमें मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का शुरुआत हरियाणा में कब से हुई है, हमारे पास 20 अप्रैल से हुई है। इसके अंदर क्या होता है, अगर 50,000 से ऊपर का सामान ट्रकों में अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो तो उसका आपको जो बिल कटवाना है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से कटवाना होता है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से सबसे पहले कर्नाटका में हुई थी। तो हमें याद रखना है हमारे हरियाणा में ई वे बिल लागू कब से हुआ था, तो 20 अप्रैल से लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भारत में पहली बार, तो याद रखना है भारत में पहली बार इंटरनेशनल नाइट बॉक्सिंग का आयोजन किया गया। तो इंटरनेशनल नाइट बॉक्सिंग, अभी तक देखो हमने पढ़ा था कुश्ती के बारे में पढ़ लिया, कुश्ती से पहले हमने पढ़ा था बॉक्सिंग के बारे में, अब फिर हम इंटरनेशनल लाइट बॉक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम कबड्डी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लाइट बॉक्सिंग के बारे में। तो इसका आयोजन पंचकुला में किया गया 14 अप्रैल 2018 को। और नेक्स्ट आ जाता है खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान हमारे पास है, कब से शुरू किया गया, 25 अप्रैल से मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें होता क्या है दोस्तों, 9 से 15 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं स्कूलों में और जो बच्चे हो गए उनको खसरा और रुबेला का टीका लगाया गया था। और यहीं से घोषणा की गई थी कि हरियाणा को, हरियाणा सरकार टीबी है हमारे पास जो, टीबी को खत्म कब तक कर देगी जड़ से, तो 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो हमारे पास गौरी सैरियन को बनाया गया था। पहले मनु भाकर का नाम सिलेक्ट किया था लेकिन बाद में उनको हटाकर गौरी सैरियन को खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल चल गए, कब से कब तक चले हैं, 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए मैं चीज़ें फटाफट करा रहा हूँ, इन सबको मैंने डिटेल में और जितनी भी वीडियोस हैं उन सब में एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए है। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, जो कॉमनवेल्थ गेम है हमारे पास 4 से 15 अप्रैल 2018 को, सबको पता ही है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। इसके अंदर इंडिया ने गोल्ड 26 जीते थे, सिल्वर 20 जीते थे, ब्रॉन्ज 20 जीते थे, तो टोटल हमने 66 मेडल जीते थे। और इसमें से इंपोर्टेंट हो जाता है, हरियाणा ने 9 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल, 9 6 7 9 6 7 आपको याद रखना है। और टोटल 22 मेडल हरियाणा की झोली में आए थे, जो हमारे पास 33.33% 1/3 हिस्सा मेडल्स का हमारे अकेले हरियाणा ने जीता था। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसमें राशि कितनी मिलती है, तो कॉमनवेल्थ गेम में 1.5 करोड़ रुपए मिली थी इन सब 9 गोल्ड मेडलिस्ट को, 75 लाख रुपए सभी इन सिल्वर मेडलिस्ट को, मतलब सिल्वर मेडल जितने जीता उसको 75 75 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए हमारे पास ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिले। अब इसमें मैं बता देता हूँ, टोटल प्लेयर हमारे पास 37 प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा से, और इसमें 20 मेल गए थे और फीमेल 17 गए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग वाला एग्जाम हुआ था हरियाणा में, उसमें पूछ लिया गया था कि मेल कितने खिलाड़ी गए थे, तो 20 खिलाड़ी मेल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, 20 अप्रैल 2018 को सरकार ने उज्ज्वला दिवस मनाया गया। तो उज्ज्वला दिवस हरियाणा में कब बनाया गया याद रखना है, 20 अप्रैल 2018 को ये अम्बाड़ा में बनाया गया, और इसके अंदर गैस कनेक्शन फ्री में दिए गए थे। 24 अप्रैल और 21 अप्रैल, दो डेट आपको और याद रखनी है। पंचायती राज दिवस हरियाणा में कब बनाया गया, तो 24 अप्रैल को बनाया गया। सिविल सर्विस डे कब बनाया गया, तो 21 अप्रैल को बनाया गया। नेक्स्ट आ जाता है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, 30 अप्रैल 2018 को हमारे पास गोबरधन योजना की शुरुआत की गई, गोबरधन योजना की शुरुआत की गई। तो ये हमारे पास करनाल से शुरू की गई, करनाल के कंजपुरा से हमारे पास शुरू की गई है। इसको लॉन्च किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है, उमा भारती ने इसको लॉन्च किया है, जो पेयजल और स्वास्थ्य मंत्री है हमारी। तो गोबर धन योजना कब शुरू की गई, 30 अप्रैल 2018 को करनाल से, कंजपुरा से, करनाल के कंजपुरा से उमा भारती ने इसको लॉन्च किया। उसके बाद मिस इंडिया हरियाणा बन गई, तो कौन बनी हमारे पास, आपको पता ही है, मीनाक्षी चौधरी मिस इंडिया हरियाणा बन गई। और उसके बाद इन्होंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, तो मिस इंडिया ये नहीं बन पाई, ये दूसरे नंबर पे रही थी। तो पहले नंबर पे हमारे पास मिस इंडिया अनुकृति वास हमारे पास मिस इंडिया बनी है। और याद रखना है, मिस इंडिया हरियाणा मीनाक्षी चौधरी, जो हमारे पास पंचकुला चंडीगढ़ से लिंक रखती है। उसके बाद 5 मई 2018 की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे पास जो हमारे अभी 10वें नंबर के जो सीएम हैं, वैसे नंबरिंग में मतलब व्यक्तिवाइज देखें तो 10वें नंबर के हैं मनोहर लाल खट्टर, और वैसे गिनती करें तो 18वें नंबर के हैं। तो मनोहर लाल खट्टर व्यक्तियों में 10वें नंबर के, और वैसे देखें तो सीरियल वाइज 18वें नंबर के हैं। तो मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन होता है 5 मई 2018 को, और इस दिन अपने जन्मदिन पर इन्होंने 309 व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया था, जो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहां से घोषणा की थी 1000 व्यायामशालाएं और बनाई जाएंगी। नेक्स्ट आता है, 5-5 को ही हमारे पास ग्राम स्वराज अभियान के तहत आजीविका एवं कौशल विकास दिवस मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, बस आजीविका और कौशल विकास दिवस कब बनाया गया, 5 मई 2018 को पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इंद्रधनुष ऑडिटोरियम कहाँ पे है, तो पंचकुला के सेक्टर 5 में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हरियाणा गवर्नमेंट के कार्यक्रम है आयोजित किए जाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट आ जाता है, 15 अगस्त 2019 तक हरियाणा को पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे मैं दो चीजें बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था कि टीबी कब तक खत्म करना है, तो 2025 तक, 15 अगस्त 2019 तक हरियाणा को पेपरलेस करने का लक्ष्य है। और हरियाणा का जो पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट था वो आपको ध्यान रखना है आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और आवारा पशुओं को मुक्त करने का, मुक्त राज्य मतलब आवारा पशु हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं जो आवारा, उनको उनसे मुक्त करने का, कब तक मुक्त किया जाएगा, 26 जनवरी 2019 तक। और यहीं से बता देता हूँ, 2022 तक हमारे पास किसानों की आय को दुगुना कर दिया जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है 6 मई को सीएम मनोहर लाल खट्टर इजराइल के 9 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे, तो 9 दिन इजराइल रहे और काफी सारी वहां से योजनाएं भी, वहां से काफी सारी स्कीम्स को लेके आए थे जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी और वीडियोस में। उसके बाद आ जाता है 15 मई को हमारे पास एलिवेटेड हाईवे का निर्माण शुरू, जो पीछे बताया था मैंने, जो हमारे पास रोहतक से शुरू हुआ था, रोहतक में वो
रेलवे एलिवेटेड था, ये एलिवेटेड हाईवे है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, ऊपरगामी पुल तो बोलते हैं इसको, 5 किलोमीटर लॉन्ग होगा जो सोहना गुरुग्राम में बनाया जाएगा। यहीं से मैंने अभी बताया था कि सोहना में हमारे पास विंटेज कार रैली 8वें का प्रदर्शन किया गया था जो 1964 में शुरुआत हुई थी। तो एलिवेटेड हाईवे का निर्माण 5 किलोमीटर लॉन्ग होगा, और ध्यान रखना है ये गुरुग्राम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज तक के इतिहास का, 1800 से 1900 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है। इसमें मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा ऊपरगामी पुल, सबसे बड़ा एलिवेटेड, सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे पूछ लिया जाए तो वो हमारे पास पानीपत में है, पूछ लिया जाए नहीं दोस्तों, ये 2-3 बार क्वेश्चन HSSC में पूछा जा चुका है, तो वो हमारे पास पानीपत का है जिसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 10 किलोमीटर लंबा है ऊपरगामी पुल। तो दूसरा हमारे पास जो दूसरा लंबा बन रहा है वो एलिवेटेड हाईवे हमारे 5 किलोमीटर लॉन्ग गुरुग्राम में बनेगा, और रेलवे वाला पूछ ले तो रोहतक में, और रोहतक के बाद दूसरा कुरुक्षेत्र में। तो 52 साल के इतिहास में गेहूं का, अब देखो गेहूं की पैदावार हो चुकी थी, तो हमारे पास याद रखना है 52 साल मतलब 1966 के बाद अब 2018 में सबसे ज़्यादा गेहूं का रिकॉर्ड पैदावार हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदावार हरियाणा में कब हुआ है, 2018 में। और इसमें मैं बता देता हूँ सिरसा पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा गेहूं आपको पता ही है सिरसा में होती है, तो 12.03% पूरे 100% का हरियाणा में जो गेहूं होती है उसका 12.3% सिरसा में उगती है, उगाई जाती है। और हरियाणा देश के केंद्रीय भंडार में करीब 15% गेहूं देता है, मतलब 100% जो गेहूं होती है पूरे इंडिया में उसमें से 15% गेहूं कौन देता है, हरियाणा देता है। और इसमें मैं बता देता हूँ गेहूं उत्पादन में हरियाणा कौन से नंबर पे है, हरियाणा है 3रे नंबर पे, पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे हमारा हरियाणा है। और विश्व का 13% गेहूं कौन देता है 100% में से, इंडिया देता है। तो याद रखना है पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो यहां से मैं एक एक करके बता देता हूँ, इंडिया दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, हरियाणा इंडिया में 3रे नंबर पे है, और हरियाणा में पहले नंबर पे कौन है, सिरसा है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद 27 मई 2018 को KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और इसमें बता देता हूँ 135 किलोमीटर लॉन्ग है ये। और इसी तरह हमारे पास एक KMP बन रहा है, कुंडली मानेसर पलवल, जिसका डिस्टेंस 135.6 किलोमीटर है। उसके बाद हमारे पास हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बना दिए गए। तो इसमें मैं बता देता हूँ, 2 जून 2018 को इन्होंने शपथ ली, कब ली शपथ, 2 जून 2018 को चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, कृष्णा मुरारी, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है ये नाम, कृष्णा मुरारी हमारे चीफ जस्टिस कौन है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के कृष्णा मुरारी है। तो कौन से नंबर के हैं, 34th नंबर के हैं, जो वजीफदार थे वो 33rd नंबर के थे। और इनको हटाने के बाद कुछ मतलब 15-20 दिन के लिए AK मित्तल को बनाया गया था, तो AK मित्तल को, अजय कुमार मित्तल को हटा के हमारे पास कृष्णा मुरारी को बना दिया गया था। तो जिनका डाउट है मैं बता देता हूँ, कृष्णा मुरारी है हमारे चीफ जस्टिस जो 34वें नंबर के, और इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल ने शपथ दिलवाई थी कप्तान सिंह सोलंकी ने, जो हमारे हरियाणा के 16वें नंबर के कौन है, राज्यपाल थे। अब 17वें नंबर के नए बन गए, आगे बताऊंगा उनके बारे में पूरी डिटेल में। नेक्स्ट आ जाता है 21 जून 2018 को, आपको पता ही है क्या होता है, योगा दिवस होता है। तो इस बार जो 2015 को ये शुरू इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये हमारे पास कौन सा योगा दिवस था, 4था योगा दिवस था, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इसमें। और ये मैं बता देता हूँ कहाँ पर किया गया था, हमारे हरियाणा के जहाँ आरा बाग स्टेडियम में। तो जो झज्जर का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ लिया जाए, तो जहां आरा बाग स्टेडियम है, इसके जो मुख्य अतिथि थे CM मनोहर लाल खट्टर थे, इन्होंने इसका आयोजन किया 21 जून 2018 को, चौथे योगा योगा दिवस का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, काफी इंपोर्टेंट है हमारे पास, सेवन स्टार रेनबो स्कीम। तो सेवन स्टार रेनबो स्कीम, इसमें मैं बता देता हूँ, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2018 को रेवाड़ी में की थी, हमारे पंचायत मंत्री OP धनखड़ ने इसकी शुरुआत की थी। याद रखना है 26 जनवरी वाले दिन पंचायत मंत्री OP धनखड़ ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत झज्जर, सॉरी दोस्तों, रेवाड़ी से की गई थी। और सेवन स्टार रेनबो स्कीम में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 7 स्टार थे अलग अलग, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं, 7 स्टार जो थे अलग अलग गांव को अलग अलग उसके ऊपर स्टार मिला दिया जाएगा। लेकिन जब इसके आंकड़े आए तो उसमें आया एक भी गांव को 7 स्टार का दर्जा नहीं दिया गया, और जिस गांव को 7 स्टार का दर्जा दिया जाना था उस गांव को रेनबो गांव कहा जाता है, तो कोई भी गांव को रेनबो गांव नहीं कहा गया। इसमें कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं कि स्टार गांव परिभाषित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार गांव परिभाषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, हरियाणा बन गया। कोई गांव रेनबो गांव नहीं बना, ये ध्यान रखना है, किसी भी गांव को मतलब 7 स्टार नहीं मिले। 1120 गांवों को स्टार का दर्जा दिया गया,
इनमें क्या अलग अलग नंबरिंग दी गई थी स्टार की, और इसमें पहले नंबर पे ओवरऑल जो स्टार गिने गए तो उसमें 407 स्टार मिले हैं अंबाड़ा को। तो पहले नंबर पे याद रखना अंबाड़ा रहा है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास गुरुग्राम रहा, गुरुग्राम को 199 स्टार मिले। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 24 जून 2018 को बहादुरगढ़ को मिली मेट्रो सेवा की सौगात। तो मेट्रो रेल हमारे पास बहादुरगढ़ में आ गई। बहादुरगढ़ आपको पता ही है दोस्तों कहाँ पड़ता है, झज्जर में पड़ता है, बिल्कुल दिल्ली हो गया, दिल्ली के बिल्कुल यहाँ पे ये दिल्ली हो गया दोस्तों। और दिल्ली के यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहादुरगढ़ है, जिसको गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। याद रखना गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को बोला जाता है। तो मुंडका से लेके बहादुरगढ़ तक हमारे पास 11.2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई, मेट्रो रेल लाइन, तो 24 जून 2018 को। और इसमें मैं बता देता हूँ हमारे पास अब तीन जगह मेट्रो चल रही है, तीन डिस्ट्रिक्टों में। पहला सबसे पहली आई थी गुरुग्राम में 2010 में, उसके बाद फरीदाबाद में, और 2018 में अब हमारे पास कहाँ पर आ गई है दोस्तों, झज्जर में। तो तीन जगह पूछ लिया जाए तो हमारे पास मेट्रो चल रही है। और 2022 तक कहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने बताया गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, और यहाँ पे क्या है सोनीपत। तो 2022 तक हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, सोनीपत में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी एचएसएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद 27वां मैंगो मेले का आयोजन किया गया, तो काफी इंपोर्टेंट होता है, यादवेंद्र गार्डन में आयोजित किया जाता है हर साल, याद रखना है। तो पिंजौर में है यादवेंद्र गार्डन, और पिंजौर हमारे पास पंचकुला में पड़ता है। इसके शुरुआत 1992 से की गई थी, तो ये इस बार का कौन सा था, 27वां था, और 7 से 8 जुलाई 2018 को इसका आयोजन किया गया मैंगो मेले का। अब नेक्स्ट आ जाता है 21 जुलाई 2018, काफी इंपोर्टेंट डेट हो जाती है। इस दिन हमारे पास हरियाणा में एसपीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट का उद्घाटन किया गया, शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा, जो एनसीसी की तर्ज पर ये इसको चलाया जाएगा, जैसे एनसीसी होती है वैसे एसपीसी का शुभारंभ किया गया। इजराइल देश के से ये चीज ली गई है, तो यहाँ पे याद रखना है। इसका शुभारंभ हमारे पास ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में किया गया। और मैं बता देता हूँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम हमारे पास दो है हरियाणा में, एक हरियाणा में सेक्टर 3 में है जो पंचकुला में पड़ता है, याद रखना है, एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, और दूसरा ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। तो जो एसपीसी का शुभारंभ किया गया है वो हमारे पास स्टूडेंट पुलिस कैडेट का, वो गुरुग्राम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया। इसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इसमें बता देता हूँ आठवीं और नौवीं की क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल इसकी शुरुआत की गई, मतलब आठवीं और नौवीं के बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा एसपीसी का। नेक्स्ट आ जाता है 15 अगस्त आ गया अब हमारे पास, तो 15 अगस्त में हमारे पास बहुत सारी घोषणाएं की गई। आपको ध्यान रखना है कि हिसार में ध्वजरोहण किया गया, किसने, मनोहर लाल खट्टर ने। बहुत आसान है, मनोहर लाल खट्टर हिसार में गए हुए थे। तो हिसार में जाने का उनका पर्पस क्या था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनको क्या करना था, शुभारंभ करना था। तो 15 अगस्त को उसका शुभारंभ किया, तो ध्वजरोहण भी हमारे पास कहाँ करेंगे, 15 अगस्त को हिसार में करेंगे। योगा दिवस तो हमारे पास झज्जर में बनाया गया था, तो ध्वजरोहण हमारे पास हिसार में किया गया। इसमें मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया, और हमारा पहला इंटरनेशनल लेवल का मतलब लाइसेंस शुदा कौन सा हमारा हो गया है, एयरपोर्ट हिसार हो गया है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक गांव पड़ता है भिवानी में, भिवानी में गांव है रोहनाथ, रोहनाथ गांव में आज़ादी के बाद पहली बार 72 साल बाद तिरंगा फहराया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए पहली बार तिरंगा कहाँ फैलाया गया, तो रोहनाथ गांव में फैलाया गया, जो भिवानी में पड़ता है। उसके बाद 18वें एशियन गेम्स की शुरुआत हो गई, तो 18 अगस्त से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं बता देता हूँ 18वें एशियन गेम्स हमारे पास 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चले, जकार्ता पालेमबांग, पहली बार 2 नगरों में आयोजित किए गए थे जो इंडोनेशिया में पड़ते हैं। इसमें मैं हरियाणा के अकॉर्डिंग बता देता हूँ फटाफट, 83 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 50 मेल थे, पुरुष थे, और 33 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। 69 टोटल इंडिया ने मेडल जीते थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फिर हमारे हरियाणा ने जीते। हरियाणा ने इसमें 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं, जिसमें से 3 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये, 75 लाख रुपये। तो याद रखना, गोल्ड के लिए 3 करोड़, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़, और ब्रॉन्ज के लिए 75 लाख रुपए, 3 का हाफ 1.5 का हाफ 75। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा था कौन से कॉमनवेल्थ गेम, तो वो भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें फ्लैग बियरर हमारे पास कौन थे, नीरज चोपड़ा थे, वहां पे मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो हरियाणा के खिलाड़ी नहीं थे, उसमें वैसे पीवी सिंधु थी और मैरीकॉम थी। यहाँ पे हमारे पास हैं फ्लैग बियरर मतलब ध्वजवाहक, पहले दिन जो ओपनिंग सेरेमनी पे थे नीरज चोपड़ा हैं, जो हमारे हरियाणा से लिंक रखते हैं, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और दूसरी हो गई हमारे पास हॉकी की कप्तान, जो क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थी, रानी रामपाल, जो शाहबाद से लिंक रखती है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक 15 अगस्त को ही एक गुरु गमन नाम की सेवा, बस सेवा शुरू की गई। तो गुरु गमन बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई, आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम से की गई। 4 अगस्त को हरियाणा संस्कृत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, याद रखना है सांस्कृतिक रंग महोत्सव का आयोजन हमारे पास कहाँ किया गया, फरीदाबाद में किया गया, फरीदाबाद में किया गया। और 15 अगस्त को ही हमारे पास आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन का
जो योजना है उसकी शुरुआत की गई। तो याद रखना है 15 अगस्त को आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें जो स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा कितने लाख रुपए दिया जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए जो बीमा कवर दिया जाएगा वो हमें 5 लाख रुपए दिया जाएगा, ध्यान रखना है 5 लाख रुपए। उसके बाद दोस्तों यहां से बता देता हूं मैं, 16 अगस्त 2018 को अब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पूर्व पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी उनका विसर्जन करना था। तो आपको ध्यान रखना है 100 सिटीज में, पूरे इंडिया में 100 सिटीज में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिसमें से 2 हरियाणा की सिटीज भी थी। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक तो हमारे पास पेहवा कुरुक्षेत्र में, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, पेहवा कुरुक्षेत्र में, और दूसरा हथनी कुंड हमारे पास जो यमुनानगर में पड़ता है, आदि बद्रीस के पास ही पड़ेगा। तो हथनी कुंड, यमुनानगर, पेहवा कुरुक्षेत्र, इन 2 जगह पर हरियाणा में अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियों का विसर्जन किया गया था। अब 19 अगस्त पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास हरियाणा के राज्यपाल थे 19 अगस्त तक, याद रखना है अभी, कप्तान सिंह सोलंकी जो हमारे राज्यपाल है, उन्होंने बहादुरगढ़ में एक मंदिर का उद्घाटन किया। तो याद रखना है बहादुरगढ़ में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। तो इस्कॉन मंदिर कहाँ पे खुला है, बहादुरगढ़ में, और अभी मैंने बताया था बहादुरगढ़ में ही मेट्रो सेवा आ गई थी, बहादुरगढ़ झज्जर, झज्जर बिल्कुल हमारे दिल्ली के साइड में पड़ता है, जिसको गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। तो बहादुरगढ़ में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया, और उसके 2 दिन बाद ही एक नया झटका दे दिया गया। यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना है 7 राज्यपालों को, गवर्नरों को चेंज कर दिया गया, अदला बदली कर दी गई। और यहाँ पे हमारे पास जो कप्तान सिंह सोलंकी थे, ध्यान रखना है 21 अगस्त से पहले के जो जो काम हो रहे थे अब तक हमने पढ़े हैं, वो सब कप्तान सिंह सोलंकी कर रहे थे। मतलब जहां पे राज्यपाल जिस चीज को सिलेक्ट करता है या जहां पे उद्घाटन किया है, तो वहां पे कप्तान सिंह सोलंकी, और 21 अगस्त के बाद जो भी काम होंगे जो राज्यपाल के होते हैं वो हमें याद रखने हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। तो नए हमारे पास गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए, कौन, सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखना है कप्तान सिंह सोलंकी 16वें नंबर के थे और सत्यदेव नारायण आर्य 17वें नंबर के थे। तो हाँ, 17वें नंबर के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, 16वें नंबर के कप्तान सिंह सोलंकी, और उठा के इनको अब कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया, त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 1 सितंबर 2018, बस इसमें ध्यान रखना है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत हमारे हरियाणा में कहाँ से की गई, मतलब सबसे पहली शाखा कहाँ खोली गई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर में इसकी पहली शाखा खोली गई। और इसमें मैं बता देता हूँ, इसका उद्घाटन हमारे पास CM मनोहर लाल खट्टर ने किया, यमुनानगर में आए हुए थे ये 1 सितंबर को। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में 20 मुख्य डाकघरों, जो मेन डाकघर थे वहां पर 20 में, और 80 उप डाकघरों में IPPB मीन्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। अब 5 सितंबर को हमारे पास, आपको पता ही है क्या होता है, टीचर डे होता है। तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास जो टीचर डे था 5 सितंबर को, उसमें राष्ट्रपति ने एक अवार्ड दिया है। तो राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो बंसरुद्दीन जो अध्यापक है हमारे मेवात जिले का, काफी फेमस है, तो बंसरुद्दीन जो मेवात जिले के अध्यापक है उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा हमारे पास हरियाणा में शिक्षक अवार्ड दिए जाते हैं, तो इस बार जो राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए गए शिक्षकों को, वो 32 शिक्षकों को दिया गया। और इसके अंदर जो राशि दी जाती है, प्रत्येक शिक्षक को 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। और अभी मैंने बताया था 21 अगस्त को हमारे जो 17वें नंबर के गवर्नर कौन बन गए थे, सत्यदेव नारायण, तो उन्होंने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। ध्यान रखना 21 अगस्त से पहले के जो काम है, जैसे मैंने बताया था इस्कॉन, उसका उद्घाटन किसने किया था, कप्तान सिंह सोलंकी ने, और 21 अगस्त के बाद के जो काम चलेंगे मेनली वो सत्यदेव नारायण के नाम से होंगे। तो 17वें जो हमारे राज्यपाल हैं, 21,000 रुपए का इसमें राशि दी जाती है। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा जितने भी अवार्ड है हरियाणा से उससे रिलेटिव एक पूरी वीडियो लेके आऊं, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट है क्योंकि वो क्लियर हो सके, क्योंकि हमारे पास जितने भी जो राशियां हैं अवार्ड्स की वो सारी चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाता है, प्रदेश सरकार ने नई कैश अवार्ड पॉलिसी शुरू की है। तो इसके अंदर मैं बता देता हूं कि जो नई कैश अवार्ड पॉलिसी शुरू की गई है उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बहुत आसान तरीके से मैं इसको शॉर्टकट से बता दूंगा, यूथ ओलंपिक, यूथ कॉमनवेल्थ गेम, यूथ एशियन, जो युवा
युवा खेल होते हैं जिसके अंदर 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उसके लिए कैश अवार्ड पॉलिसी निर्धारित की गई है, इसमें राशि बढ़ाई गई है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कितनी कितनी राशि दी जाएगी। अगर आपको याद है कि सिंपल ओलंपिक में कितने रुपए मिलते हैं, कॉमनवेल्थ में कितने मिलते हैं, एशियन में कितने मिलते हैं, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं फटाफट बता देता हूँ, अगर आप सिंपल में ओलंपिक में खेलते हैं तो आपको 6 करोड़ रुपये मिलते हैं, 6 करोड़ रुपये मिलेंगे। सिल्वर मेडल जीतने पर आपको 4 करोड़ रुपये मिलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर आपको 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, आपको पता ही है। और यहाँ से कॉमनवेल्थ गेम में आपको ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे पास कितने मिलते हैं, 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं कॉमनवेल्थ में। एशियन में ज्यादा मिलते हैं, कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़, और सिल्वर मेडल जीतने पे 75 लाख रुपए, ध्यान रखना है 75 लाख रुपए और 50 लाख रुपए। ये मैं सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स और एशियंस के बता रहा हूं। एशियन गेम में हमारे पास 3 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो बहुत आसान है, 6, 4, 2.5 और 1.5, 75, 50, 3, 1.5, 75। अब अगर आपको ये राशि याद है तो क्वेश्चन यहाँ से क्या दे सकता है, यूथ ओलंपिक की कितनी रखी गई है 2018 में, यूथ कॉमनवेल्थ गेम की और यूथ एशियन की। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये राशि याद है, अगर आपको याद है ओलंपिक में गोल्ड मेडल के 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो इसका क्या करना है, 1/3 करना है, तीसरा हिस्सा कर दो, बस वही राशि आपको याद रखनी है। तो 6 करोड़ का तीसरा हिस्सा कर दूं तो याद रखना है 2 करोड़ रुपए मिलते हैं आपको यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को। 4 का मैं अगर करता हूं तीसरा हिस्सा और 2.5 का करता हूं तीसरा हिस्सा, तो इसको अभी आप यहीं पे रहने दो। सिर्फ ये याद रखना है जिसका थर्ड पार्ट पूरे पूरे पॉइंटों पे कट जाता है वो राशियां याद रखनी है। 1.5 करोड़ का तीसरा हिस्सा कर दूं तो कितना होगा दोस्तों, 50 लाख रुपए होगा। 75 का तीसरा हिस्सा कर दूं तो हमारे पास 25 लाख रुपए होगा। 50 का तीसरा हिस्सा पॉइंटों में आता है तो इसको अभी यहीं रहने दो। 3 करोड़ का तीसरा हिस्सा कर दूं तो कितना होगा दोस्तों, 1 करोड़। 1.5 करोड़ का तीसरा हिस्सा कर दूं तो हमारे पास होता है 50 लाख रुपए, और 75 का तीसरा हिस्सा कर दूं तो 25 लाख रुपए। तो आसानी से हो गया, गोल्ड मेडल ओलंपिक यूथ ओलंपिक में 2 करोड़ रुपए, यूथ कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल के 50 लाख रुपए, एशियन में गोल्ड मेडल के 1 करोड़ रुपए, सिल्वर कॉमनवेल्थ गेम में 25 लाख रुपए, सिल्वर एशियन गेम में 50 लाख रुपए, ब्रॉन्ज हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल एशियन में 25 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैंने बताया जो पॉइंटों पे बिल्कुल कट नहीं हो रहे तो वो उनकी उसके आसपास की राशि आसानी से याद कर सकते हो। जैसे 4 लाख का तीसरा हिस्सा करूं तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1.25 करोड़ याद रखना है, 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। और 2.5 का अगर मैं थर्ड हिस्सा करूं तो 2.5 का थर्ड हिस्से में आपको ध्यान रखना है ये होगा हमारे पास 83 के करीब, मतलब 80 लाख। तो 80 लाख रुपए इसमें मिलते हैं आपको, ये राशि याद रखनी है। और 50 का हमारे पास 16 पॉइंट कुछ बनेगा, तो सीधा इसको याद रख लेना 15 लाख रुपए। तो बहुत आसान है, तीन राशि आप ऐसे याद रख सकते हो, 1.25 करोड़, 80 लाख, 15 लाख। तो तीसरा हिस्सा किया है तो 6/3, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़, 25 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 15 लाख और 25 लाख। तो ये हमारे पास नई कैश अवार्ड नीति है जो यूथ ओलंपिक, यूथ कॉमनवेल्थ गेम और यूथ एशियंस की। तीन इसमें आपको अलग से याद करनी है, ये 1/3 से थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, 1.25 करोड़, 80 लाख और 15 लाख। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास 2 अक्टूबर 2018 से लेके 2 अक्टूबर 2020 तक, इसमें याद रखना 2 साल तक हरियाणा सरकार महात्मा गांधी की 150वीं स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी हरियाणा में। इसमें मैं बता देता हूँ, हरियाणा जो महात्मा गांधी की स्वर्ण जयंती है 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं स्वर्ण जयंती कम्प्लीट हो रही है, तो उसके उपलक्ष्य में इसमें आपको पता ही है 2 अक्टूबर को हमारे पास स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में इस बार 2 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के नतीजे आए हैं। उस सर्वेक्षण में याद रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में हरियाणा को कौन सा प्राइज मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा हमें याद रखना है कि देश की सबसे स्वच्छ सरकारी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया, तो देश की सबसे स्वच्छ सरकारी यूनिवर्सिटी MDU को दिया गया है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, तो आपको ये याद रखना है। और ये कब बनी थी, 1976 में इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। तो देश का सबसे स्वच्छ सरकारी यूनिवर्सिटी MDU और स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट आ जाता है, 1 सितंबर को हमारे पास हरियाणा का पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है 1 सितंबर को हरियाणा में क्या मनाया जाता है, हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो इस बार 44वां हरियाणा पर्यटन दिवस बनाया गया था। और इसमें मैं बता देता हूँ, हरियाणा में पहले 43 पर्यटन
स्थल होते थे, अब एक नया और पर्यटन स्थल जुड़ चुका है। तो हरियाणा में इस समय 44 पर्यटन स्थल हो चुके हैं और ज्यादातर के नाम हमारे पास पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 23 सितंबर को हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। इस दिन राव तुला राम है जो हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 की क्रांति में, तो 23 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके वहां से हमारे पास 23 सितंबर को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई हरियाणा में। याद रखना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हरियाणा में कब शुरू की गई, 23 सितंबर को। और हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर, हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद से 27 सितंबर, 27 सितंबर को हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव मनाया गया। तो ध्यान रखना है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा, दोस्तों ध्यान रखना है, एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव पंचकुला में मनाया गया 27 सितंबर को। और 29 सितंबर को हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाया गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्जिकल स्ट्राइक दिवस। तो यहाँ से कुछ दिवस से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ज्यादातर देखो आपने सितंबर के महीने में ये मनाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक मेला आयोजित किया गया, मेले का नाम था फल्गु मेला। तो इसमें ध्यान रखना है हमारे पास जो फल्गु मेला है 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फरल गांव में, कैथल के फरल गांव में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसमें बता देता हूं, कहीं जगह 24 सितंबर दे रखी है डेट, कहीं जगह 25, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। तो 25 सितंबर, 24 सितंबर 8 अक्टूबर तक फल्गु मेला फरल गांव में कैथल में मनाया गया। और 4 से 5 अक्टूबर 2018 को हमारे पास 25वां कृषि मेले का आयोजन किया गया। तो याद रखना है कृषि मेले का आयोजन, 25वें कृषि मेले का आयोजन ध्यान रखना है। इससे पहले हमने तीसरा एग्री समिट किया था जो रोहतक में हुआ था, और ये 25वां कृषि मेला है। तो कृषि मेले का आयोजन हमारे पास हिसार में आयोजित किया गया, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। 19 अक्टूबर 2018 को आपको पता ही है दशहरा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला कहाँ बनाया गया। तो पंचकुला में सेक्टर 5 में हमारे पास विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया जो 210 फीट ऊंचा था। और इसी तरह हमारे पास अक्टूबर महीने में ही 6 अक्टूबर को हरियाणा उर्दू अकेडमी का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उर्दू अकेडमी ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया कब, 6 अक्टूबर को। और इसमें मैं बता देता हूँ कि उर्दू का सबसे बड़ा अवार्ड हाली पुरस्कार है जिसमें 2.51 लाख रुपये की इनामी राशि दी जाती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास अभी 9 अक्टूबर 2018 को दीन बंधु सर छोटू राम जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। तो ये जो प्रतिमा है सर छोटू राम की वो 64 फीट ऊंची है जो राजीव गांधी स्टेडियम में सांपला रोहतक में आयोजित की गई। आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी स्टेडियम पूछ लिया जाए तो कहाँ पे होगा, सांपला में है। और यहीं से इसका अनावरण हमारे पास हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन अनावरण किया। इसमें आपको ध्यान रखना है यहीं से मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा किया कि जो सांपला है उसका नाम अब दीनबंधु छोटू राम के नाम पर रखा जाएगा। और यहीं पे जब नरेंद्र मोदी आए भी थे रोहतक में, तो यहाँ से पहले क्या पड़ता है सोनीपत, तो सोनीपत में भी उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास कर दिया, मतलब उसका उद्घाटन कर दिया जो कहाँ पे है हमारे पास, गन्नौर में है। तो ध्यान रखना है हमारे पास सोनीपत के गन्नौर में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने, 9 अक्टूबर 2018 को दीनबंधु सर छोटू राम जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। और यहीं से आगे आ जाता है हमारे पास 11 से 12 अक्टूबर, ये डेट याद रखनी है, 11 से 12 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये हमारे पास गुरुग्राम में किया गया, जो इंडिया में पहली बार इस तरह का कॉन्फ्रेंस की गई है। और ये अब तक जो वर्ल्ड में है 32वीं वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट कॉन्फ्रेंस है। और 19 से 21 अक्टूबर 2018 को आपको ध्यान रखना है पिंजौर विरासत उत्सव का आयोजन किया गया, जो हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट बनता है पिंजौर विरासत उत्सव हमारे पास 2006 से शुरू हो चुका था और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो ये हमारा 19 से 21 अक्टूबर 2018 को पिंजौर विरासत उत्सव आयोजित किया गया। पिंजौर आपको पता होना चाहिए हमारे पंचकुला में पड़ता है। और इससे पहले मैंने बताया था पिंजौर में मैंगो मेला लगता है यादवेंद्र गार्डन में, जो 27वां मेला लगा था इस बार 2018 में, तो वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से अभी नेक्स्ट आ जाता है कि हरियाणा, तो ये तो अक्टूबर तक है और मैंने इसमें सारी वीडियोस, मतलब हर हफ्ते की मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं, ये एक क्विक रिव्यू था। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि हरियाणा किस किस चीज़ में कौन कौन से रैंकिंग पे रहा है पिछले 6-7 महीनों में।
अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इज ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स जहां पे बिजनेस करना आसान होता है उसके अकॉर्डिंग एक आंकड़े दिए जाते हैं, तो उसके अंदर हमारा हरियाणा तीसरे नंबर पे रहा है। तो याद रखना है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीसरे नंबर पे रहा है। और यह अगर नॉर्थ इंडिया में पूछ लिया जाए, उत्तरी भारत में पूछ लिया जाए तो पहला रैंक है, याद रखना उत्तरी भारत में पहला रैंक है, वैसे थर्ड रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का। उसके बाद मैंने बताया था ई वे बिल, तो ई वे बिल की शुरुआत हरियाणा में कब शुरू की गई थी, 20 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई थी मैंने बताया था, और 1 अप्रैल को सबसे पहले कर्नाटका में शुरू किया गया था। तो 20 अप्रैल के बाद ई वे बिलों का सृजन करने में, मतलब जो इसमें ई वे बिल के जो बिल कटवाते हैं, मैंने बताया था 50,000 से ऊपर का सामान हो ट्रकों में तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कटवाना पड़ता है, तो उसमें हरियाणा का कौन सा रैंक आया जब आंकड़े आए थे, तो चौथे नंबर पर हरियाणा का रैंक रहा है, और 20 अप्रैल से हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में तो हरियाणा पहले नंबर पर, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, और सबसे ज्यादा जीएसटी एकत्र करने में हरियाणा 5वें रैंक पे है। तो दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है अगर प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखें तो, मतलब जितना जीएसटी इकट्ठा हुआ उसको प्रति व्यक्ति के साथ डिवाइड कर दें जितनी भी जनसंख्या है तब देखें तो उसमें पहले नंबर पे है, लेकिन पूरे जो पैसे को आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें जीएसटी एकत्र करने में हरियाणा का 5वां रैंक रहा है। उसके बाद आपको पता ही है 21वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसमें मेडल टैली में हरियाणा पहले नंबर पे रहा है, तो मैंने बताया था 66 में से 22 मेडल हरियाणा ने जीते। और 18वें एशियन गेम्स जो हुआ है उसमें भी हमारे पास हरियाणा पहले नंबर पे रहा है, उसमें 69 मेडल में से हरियाणा ने 18 मेडल अपनी झोली में डाले थे। गेहूं, तो इसमें मैंने बताया था गेहूं उत्पादन में 2018 में हरियाणा कौन से नंबर पे रहा है, तीसरे नंबर पे रहा है, पहले नंबर पे यूपी है और दूसरे नंबर पे पंजाब है, और हरियाणा का सिरसा, हरियाणा में सिरसा पहले नंबर पे रहता है, सबसे ज्यादा गेहूं हरियाणा के सिरसा में होती है। उसके बाद हमारे पास ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा दूसरे नंबर पे है, और इसमें जो इस साल के नए आंकड़े आए हैं उसमें प्रति व्यक्ति 950 ग्राम दूध उपलब्धता, मतलब 950 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति पीता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में हरियाणा को फर्स्ट प्राइज मिला है 2 अक्टूबर को, मैंने बताया था ये। और स्टार गांव परिभाषित करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन हो गया है, हरियाणा हो गया है, तो ये भी है। और किसी भी गांव को रेनबो गांव का दर्जा नहीं मिला था मैंने बताया था, और अम्बाला उसमें पहले नंबर पे था जो रेटिंग आई है स्टार की उसमें। सबसे फास्टेस्ट पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में हरियाणा का फर्स्ट रैंक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस को फर्स्ट प्राइज मिला है, जो हमारे पास फायर गेम्स हुए थे उसमें हरियाणा पुलिस को पहला अवार्ड।